हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारी जो टेंस की सीरीज थी उसमें आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। व्हाट डू यू नो? टेंस, देखिए हम ये जान चुके हैं कि प्रेजेंट के चार जिस तरह से टेंस होते हैं उसी तरह से पास्ट के भी चार होते हैं। ठीक है, इनको कहेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। जैसे उसके चार नाम थे उसी तरह से यहाँ चार नाम है, इसको सिंपल पास्ट टेंस भी हम कह सकते हैं। ये मैं पहले बता चुका हूँ आपको, देखिए कि केवल आपको ध्यान देना है एक तो सिंपल प्रेजेंट टेंस पर और दूसरा सिंपल पास्ट टेंस पर। यदि दो ये आपकी समझ में आ गए तो बाकी में केवल आपको हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बदलने हैं और उसका यूज कहाँ कहाँ अलग होता है ये समझना है। ठीक है, तो आज थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट ध्यान दें और ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात आप ध्यान से सुने कि चाहे आपके लिए एरर पार्ट का प्रश्न आ जाए, चाहे आपका सेंटेंस अरेंजमेंट का प्रश्न आ जाए, चाहे आपको वर्ब भरने के लिए ब्लैंक में आ जाए, सभी तरह के प्रश्नों में ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखो, हम ये बता चुके हैं जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के दो भाग हैं, ऐसे ही इसके भी दो भाग हैं। एक को बोलेंगे हम डिस्क्रिप्टिव और दूसरे को बोलेंगे फंक्शनल। ये मैं पहले बता चुका हूँ, जिन्होंने पहले वीडियो नहीं देखे वो थोड़ा सा देख लें। जैसे मैं कहूँ राम वाजा ग्रेट किंग, ठीक है, ही रूल ओवर द वर्ल्ड। दोनों वाक्यों में अंतर समझिए आप। यहां तो कहा गया कि राम वाज अ ग्रेट किंग, राम एक महान राजा थे, तो यहां पर वाज का प्रयोग हो रहा है और यहां कहा गया कि ही रूल ओवर द, उन्होंने पूरी भारत पर शासन किया। तो अब मुझे बताइए, यहां राजा थे तो ये क्रिया किस तरह की हो गई? ठीक है, ये यहाँ किसको बता रहा है? स्टेट को बता रहा है, अवस्था हो गई कि नहीं। और इसमें क्या बता रहा है? एक्शन बता रहा है ना। तो यहाँ देखो एक तरह का राम का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ये वर्णन राम का किया जा रहा है कि राम कौन थे, एक महान राजा। और इसमें आप देखें, इसमें क्रिया हो रही है। तो ऐसे वाक्य जिसमें सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है वो कहलाते हैं डिस्क्रिप्टिव, जिनको हिंदी में बोलते हैं वर्णात्मक। समझ रहे हो? इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमें याद रखना है कि सब्जेक्ट के साथ, देखो प्रेजेंट में तो लगाते थे एजेमर और पास्ट में लगाएंगे वाज और। ठीक है, और इसके साथ आता है कौन? इसके साथ आता है कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट का मतलब, यहाँ देखो कंप्लीमेंट का मतलब यहाँ नाउन हो सकता है कोई नाउन फ्रेज, ठीक है, यहाँ एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है, यहाँ कोई एडवर्ब हो सकता है, एडवर्ब लिए हो सकता है। अर्थात इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में समझा दूँ तो प्रीपोजिशन के साथ कोई प्लेस, ठीक है, ये कंडीशन इसमें बनती है। ध्यान देना थोड़ा सा, कंप्लीमेंट वह शब्द होता है जो वाक्य में आने वाले सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के बारे में कोई विशेषता बताता है। ठीक है, तो यहाँ कंप्लीमेंट, जब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सब्जेक्ट की बता रहा है, ऑब्जेक्ट वाले में ऑब्जेक्ट बताता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उसको देखेंगे हम। लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव होते हैं उसमें कंप्लीमेंट होता है और उसको जोड़ने वाली जो वर्ब है वो वर्ब कहलाती है लिंकिंग वर्ब। कौन सी वर्ब कहलाती है? लिंकिंग वर्ब। ये लिंकिंग वर्ब का कॉन्सेप्ट का अलग वीडियो है, आप देखना, पूरा उसमें डिटेल में समझाया है। और कंप्लीमेंट के लिए भी एक वीडियो है पीछे, कंप्लीमेंट क्या है और किस तरह से इसके भाग हैं ये भी मैंने बताया है। तो एक तो इसका ये स्ट्रक्चर होता है, जैसे अभी एग्जांपल हमने देखा, जैसे मैं कहूँ ही वाज अ गुड स्टूडेंट, तो यहाँ देखो ही वाज के साथ क्या जुड़ रहा है? एक गुड स्टूडेंट क्या हो गया? एक कंप्लीमेंट हो गया। किसकी विशेषता बता रहा है? एक ही, कि वह एक अच्छा विद्यार्थी था।
ध्यान देना, ए गुड स्टूडेंट ये यहाँ पर क्या है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, विशेषता बताने वाला। एडजेक्टिव नाउन आप जानते हैं क्या है, एडवर्बियल एडवर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में बाद में पढ़ लेंगे, लेकिन हम तो ये समझना है कि ये कम्प्लीमेंट होता है। अर्थात सीधी भाषा में मैं कहूँ कि जब सब्जेक्ट का यहाँ डिस्क्रिप्शन होता है वाक्य में, तब ये टेंस होता है, ठीक है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साहब वाज वर्ब का प्रयोग तो कंटिन्यूस में होता है, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे। तो आपको मैं बता दूं कि इज एम आर और वाज वर्ब ये दोनों बी फॉर्म्स कहलाती हैं, ठीक है। ये मेन वर्ब का भी काम कर सकती है, अगर इनके साथ, ध्यान देना, अगर इनके साथ कोई कंप्लीमेंट आ रहा है तो टेंस होगा डिस्क्रिप्टिव, ठीक है। कौन सा टेंस होगा, डिस्क्रिप्टिव। और अगर इनके साथ आईएनजी फॉर्म आ रही है, ध्यान देना, तो टेंस होगा कॉन्टिन्यूस। और यदि इनके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है तो टेंस पैसिव में होगा। तीन बातें याद रहेगी, इज एम आर वाज वर्ब के साथ यदि कंप्लीमेंट आ रहा है तो डिस्क्रिप्टिव होगा टेंस, आईएनजी फॉर्म आ रही है तो कॉन्टिन्यूस होगा टेंस, और वी थर्ड आ रही है तो क्या होगा, पैसिव फॉर्म होगी, पैसिव में टेंस होगा। इस बात को आगे हम सीखेंगे, ठीक है। अब यहाँ आपको ध्यान क्या देना है कि डिस्क्रिप्टिव में ये स्ट्रक्चर हमें फॉलो करना है। अब इसका और एग्जांपल मैं दे दूँ, ये तो चलो एडजेक्टिव का हो गया, और कहते हैं हम कि अभी जैसे एग्जांपल लिया था हमने, ही वाज अ किंग, सीधा सा मैं ये कह दूँ तो किंग यहाँ पर एक नाउन हो गया, ठीक है। अगर मैं कह दूँ ही वाज इन हिज रूम, वह अपने कमरे में था, तो इन हिज रूम क्या है, मैंने कहा ना प्रीपोजिशन और प्लेस होते हैं एडवर्बियल में, ठीक है। तो यहाँ इन प्रीपोजिशन हो गया, ये हो गया प्लेस, तो ये एडवर्बियल्स हो गया। तो ये तीनों कंडीशन किस में आती हैं, ये तीनों कंडीशन डिस्क्रिप्टिव में आती है। तो एक तो आप ये स्ट्रक्चर याद रखेंगे इसका, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ वाज और कॉम्प्लीमेंट, और ये इसके तीनों एग्जाम्पल हो गए। तो ये आप इस तरह से नोट करें। जबकि फंक्शनल में क्या होता है, फंक्शनल में मेन वर्ब होती है, यहाँ मेन वर्ब नहीं होती, यहाँ ये हेल्पिंग वर्ब ही मेन वर्ब का काम करती है, और सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होता है। डिस्क्रिप्शन इस तरह से हो सकता है, तीन तरह से, ठीक है। और जबकि इसमें सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब होती है फंक्शनल में, ठीक है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब इसमें होती है, ठीक है। इसमें सेकेंड फॉर्म आती है, ये हम बाद में पढ़ेंगे, पहले इसी को समझ लें। तो एक तो ये स्ट्रक्चर हमने सीखा, दूसरा देखिए, दूसरा स्ट्रक्चर इसका क्या बन सकता है, ये मैंने प्रेजेंट में भी बताया था कि डियर के साथ वाज एवर प्लस कोई नाउन, उसके बाद यहाँ देखो प्रीपोजिशन, और प्लेस आता है जिसको हम कह सकते हैं एडवर्बियस, ठीक है, ये कंडीशन बनती है। अब यहाँ ध्यान देना, अगर किसी स्थान पर कोई नाउन है या नहीं है ये हमें अभिव्यक्त करना है, तो प्रेजेंट में अगर करना है तो इज एम आर आ जाते थे यहाँ, इज और आर, और पास्ट में करना है तो वाज वर आ जाते थे। जैसे मैं कहूँ कि मेरे कमरे में एक सांप था, ध्यान देना बच्चों, अगर मेरे को मेरे कमरे में सांप है तो है में क्या आ जाता, दियर इज, लेकिन इसमें बोला मैंने था तो क्या आ जाएगा, दियर वाच, ठीक है। इधर से था के लिए दियर वाच, एक सांप आज एक कहां पर, मेरे कमरे में इन माई रूम, इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो अगर सिंगुलर नाउन कहीं पर है उसके साथ लग जाएगा वाच, अगर प्लूरल नाउन है तो क्या लगेगा, और लगेगा। जैसे मैं कहूँ कि मेरे गांव में बहुत अधिक पेड़ थे, कैसे बना देंगे, देयर वर लॉट्स ऑफ ट्रीज इन माई विलेज, समझ रहे हो। तो ये यहाँ बहुत सारे हैं इसलिए और लगाया। तो ये दूसरा स्ट्रक्चर ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो दो स्ट्रक्चर इस तरह से,
एक तीसरा स्ट्रक्चर और आपको बता दूं कि सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वाजिबर प्लस टू प्लस बी वन। ठीक है, जैसे मुझे गांव जाना था, कैसे बनाएंगे, आई वाज टू गो टू विलेज। ठीक है, ये वाले स्ट्रक्चर भी आप देखोगे तो इन सबको मैं वर्ब के पैटर्न में पढ़ाऊंगा। वर्ब के जो पैटर्न है हमारे, किस तरह से वर्ब के सेंटेंस बनते हैं, तो ये चीज़ हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिस्क्रिप्टिव। अब देखें यहाँ फंक्शनल की बात करें, तो फंक्शनल में क्या होता है, अगर सेंटेंस अफर्मेटिव बना रहे हैं, कैसा बना रहे हैं, अफर्मेटिव सकारात्मक, तो यहाँ सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और यहाँ देखो एक बात और समझ लेना कि फंक्शनल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, कि जब कोई कार्य पास्ट में किया गया, ठीक है, पास्ट में कार्य किया गया लेकिन पास्ट में वो खत्म हो गया, वर्तमान से उसका कोई संबंध नहीं है, उस कंडीशन में ये टेंस काम में लिया जाता है। अफर्मेटिव में ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, अगर नेगेटिव बनाए तो देखो नेगेटिव में इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है डिड वो काम आ जाती है। ठीक है, नेगेटिव में इसकी हेल्पिंग वर्ब डिड काम आ जाएगी, और यदि हम इसका इंट्रोगेटिव बना दें तो हमारे पास इंट्रोगेटिव में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक तो सहायक क्रिया से शुरू होने वाले, ठीक है, और दूसरा WH वर्ड से शुरू होने वाले होते हैं कि नहीं, इस तरह से। तो ये दो स्ट्रक्चर हमें याद रखने हैं। चौथा मैंने बताई दिया कि अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव हमें बनाना है तो जो सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है उसमें तीसरे नंबर पे नोट लगा दो, और जो WH वर्ड से शुरू हो रहा है उसमें चौथे नंबर पे नोट लगा दो, है ना। इनकी एग्जांपल हम देख लेंगे। तो ये फंक्शनल होते हैं और ये डिस्क्रिप्टिव होते हैं, दोनों का अंतर मैंने बता दिया था। मिस्टर शर्मा वाज अ गुड टीचर, ही टॉट इंग्लिश। ध्यान देना उस सेंटेंस पर, एक सेंटेंस यहाँ देखा कि मिस्टर शर्मा एक अच्छे अध्यापक थे और वो अंग्रेजी पढ़ाते थे, तो यहाँ तो क्या हो रहा है, मिस्टर शर्मा का डिस्क्रिप्शन हो रहा है, ठीक है, और यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ उसके द्वारा क्रिया की जा रही है। तो जब डिस्क्रिप्शन होगा तो डिस्क्रिप्टिव होगा, और जहाँ क्रिया की जाएगी वो फंक्शनल होगा। फंक्शनल प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी है, वहाँ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SES लगाते हैं और प्रश्नवाचक उनमें सहायक क्रिया DOES लगाते हैं। तो ये अंतर हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप आज इतना ही करेंगे, इसको और थोड़ा सा डिटेल में इसके यूज पढ़ेंगे हम, इसके यूज बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसकी पहचान और इसके यूज वगैरह ये हम पढ़ेंगे। पहचान में तो आप ये याद रखें कि ऐसा कार्य जो पास्ट में किया, पास्ट में ख़त्म हो गया, वर्तमान से उसका कोई मतलब नहीं है, तो वो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बन जाएगा। तो इसकी कुछ कंडीशंस भी बनती हैं, वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान देना, इन सब को पढ़ने के बाद फिर हम एरर पार्ट भी पढ़ेंगे, क्योंकि पटवारी का जो एग्ज़ाम है उसमें करेक्शन ऑफ एरर है, एरर, ठीक है, ये पढ़ना है। NDA के एग्ज़ाम में एरर आता है, ठीक है। आप देखिए हाईकोर्ट का जो फोर्थ ग्रेड का एग्ज़ाम है उसमें करेक्ट एरर कैसे प्रश्न ही है उसको, लेकिन वो ऑप्शन में आएंगे आपके लिए। सीख सब हम इन्हीं से सकते हैं, ये जो हम सीख रहे हैं इन्हीं के द्वारा उसको कर सकते हैं, तो इनका वो रूप भी हम सीखेंगे, लेकिन पहले एक बार ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद, ठीक है। और यदि आपको इसमें कुछ और चीज़ें पढ़नी है तो आप कमेंट्स करके मुझे प्रश्न पूछें, वो भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, ठीक है बच्चों। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें, लाइक करें, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट्स ज़रूर करें, ठीक है, ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।